मैं अनुरोध करूंगी माननीय मंत्री जल संसाधन तथा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग अध्यक्ष संबोधन हेतु श्री संजय कुमार झा जी जोरदार तालियों से स्वागत करें हम माननीय मंत्री महोदय का। हम लोगों के नेता और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, माननीय ग्रामीण मंत्री श्री श्रवण कुमार जी, श्री कौशलेंद्र जी जो यहाँ के लोकप्रिय विधायक हैं, श्री कृष्ण मुरारी शरण जी जो माननीय विधायक हैं हिलसा के, कौशल किशोर जी जो माननीय विधायक हैं राजगीर के, श्री राकेश रोशन जी इस्लामपुर के माननीय विधायक हैं, बिहार के मुख्य सचिव अमित सुहानी साहब आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव रहे और बिहार के मधुबनी जिला के रहने वाले श्री आदित्यनाथ दास जी, मंच पे बैठे हुए जल संसाधन विभाग के सचिव संजय अग्रवाल जी, नालंदा के प्रभारी सचिव अनुपम कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री के ओएसडी गोपाल सिंह जी, हम लोगों के जल संसाधन विभाग के इंजीनियरिंग चीफ आईसी ठाकुर जी, और इतनी बड़ी संख्या में आप लोग इस कार्यक्रम में आए हैं, प्रिंट मीडिया के साथी हैं। मैं दो तीन बात सिर्फ इसलिए कि कुछ चीज तो मैं जिस एरिया से आता हूं वो बाढ़ का एरिया है, तो हम लोगों को बचपन में कभी दिमाग में आता था कि ये बाढ़ का पानी कहीं ट्रांसफर हो सकता है कि नहीं हो सकता है, कहीं जा सकता है कि नहीं जा सकता है, उसका प्रकोप ज्यादा हम लोगों के क्षेत्र में रहता था, ऐसे ही माइंड में चलता रहता था। लेकिन मुख्यमंत्री जी, देश का ये पहला योजना है, पूरे देश में इस तरह का योजना लागू नहीं हुआ जिसमें बाढ़ के पानी को मानसून सीजन में चार महीना पानी को गंगा जी से उठा करके, जबकि वो ज्यादा पानी रहता है, वो पानी फैल जाता है, वो पानी समुद्र में चला जाता है, उस पानी को लेकर के और राजगीर लाना, उस पानी को लेकर के गया लाना, उस पानी को लेकर के बोधगया लाना, उस पानी को लेकर के अगले साल नवादा तक पहुंचाना, ये कंप्लीट मुख्यमंत्री जी का कॉन्सेप्ट था, आइडिया था, कहां से पानी ज्यादा डेप्थ मिलेगा, किस रूट से आएगा, अलाइनमेंट क्या होगा, कैसे पहुंचेगा, कैसे साफ पानी मिलेगा, एक एक डिटेलिंग। मुझे लगता है प्रॉब्ली इंजीनियरिंग क्षेत्र में ये एक देश में देखने वाला प्रोजेक्ट है जो ये गंगाजल योजना बिहार में लागू हुआ, जो आ करके कोई देखे कि इंजीनियरिंग का कितना बड़ा स्वरूप हो सकता है, क्योंकि हम लोगों के मुख्यमंत्री खुद इंजीनियर है, तो उसका जरूर कुछ ना कुछ प्रभाव इस प्रोजेक्ट पे रहा, जो आज इतना बड़ा प्रोजेक्ट, आज देश और दुनिया में इस प्रोजेक्ट का चर्चा हो रहा है, जो फ्लड मिटिगेशन को लेके, बाढ़ के पानी को लेकर के, और किस तरह इसको आप पीने के पानी में कन्वर्ट करके ले जा रहे हैं, ये मुख्यमंत्री का सोच था, शायद समय से आगे सोचते हैं, लोगों को बाद में रियलाइज होता है कि जब जल जीवन हरियाली लाए, अभी फिल्म में भी आप देख रहे थे, और जल जीवन हरियाली लाए, पर्यावरण को लेकर के सोचना, एक बहुत बड़े दुनिया के अमीर हैं बिल गेट्स, गूगल करके देखिएगा नाम मिल जाएगा, बिल गेट्स का नाम सुने होंगे, बिल गेट्स आए मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए, बिल गेट्स आते हैं बिहार, हेल्थ पे उनका काम है, हेल्थ को देखने के लिए, आज जब वो हेल्थ पे बात करके दिल्ली गए और दिल्ली में इंटरव्यू दिए, तो उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मुझे आश्चर्य लगा कि जब मैं पटना में गया और मुख्यमंत्री जी से मिला, मैं तो हेल्थ पे चर्चा करने गया था, जो चर्चा वॉशिंगटन डीसी में होती है, जो चर्चा पेरिस में होता है, पर्यावरण कैसे सुधरेगा, कैसे बदलेगा, वो चर्चा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमसे पटना में कर रहे थे कि कैसे जल जीवन हरियाली ला करके और उस कॉन्सेप्ट को ले ला करके पूरा पर्यावरण पे बिहार काम कर रहा है, और उसी का एक कंपोनेंट ये गंगाजल आपूर्ति योजना था, और उसी
जो जल जीवन हरियाली को लेकर के मुख्यमंत्री जी को यूनाइटेड नेशन ने बुलाया, यूनाइटेड नेशन में जाकर के पूरा जो जल जीवन हरियाली है उस पर जाकर के बात रखी। बात बहुत लंबा हो जाएगा। मुझे याद है अभी मुख्यमंत्री जी का भाषण सुन रहे थे, वो भाषण उस दिन का है, गया में जाकर के कैबिनेट हुआ था दिसंबर 2019 में, और उस कैबिनेट में गंगाजल योजना पारित हुआ मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में, और उसके अगले दिन वहां के गांधी मैदान में कार्यक्रम हुआ था जहां पर वो बोल रहे थे। जिस दिन ये पास हुआ उसका अगले दिन का वो फुटेज था जो फिल्म आप देख रहे थे, और पूरा कॉन्सेप्ट वो बता दिए जो कितना पर लीटर पानी आएगा, कहां से पानी लिया जाएगा, कैसे जाएगा। और 2020 में ये काम शुरू हुआ, कोविड का टाइम था, डिफिकल्ट टाइम था, तब भी बिहार सरकार ने, जल संसाधन विभाग ने 3 साल से कम टाइम में, नवंबर में हम लोग उसका उद्घाटन कर रहे हैं और दिसंबर 2019 में ये कैबिनेट से पास हुआ था, फिर टेंडर का प्रोसेस और अन्य जो काम होता है, 3 साल से कम टाइम में इस प्रोजेक्ट को पूरा किया है। और जो मैं देखता हूं गंगा के प्रति लोग की अगाध श्रद्धा है, और गंगा को लेकर के कम से कम हम लोग देखते हैं कि कोई जाता था तो लोग बोलता था कि एक बोतल में भी गंगाजल मिल जाए कोई ला करके दे दे, 100 किलोमीटर दूर, 125 किलोमीटर दूर कोई ला करके एक बोतल गंगाजल दे रहता था पूजा पाठ करने के लिए, तो लोग उसके प्रति कृतज्ञता जाहिर करते थे कि गंगाजल ला करके दे दिए। लोग 100 किलोमीटर ट्रेवल करके जाते थे गंगाजल लाने के लिए, और ये कितनी खुशी की बात है कि आज पूरा का पूरा गंगाजल गया, सब गया और बोध गया तो कल है, लेकिन पूरा का पूरा गंगाजल आज राजगीर में के हर एक घर में पहुंच गया है। मैं जो देख रहा था, मैं इसकी चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि यूनाइटेड नेशन ने एक निकाला है अपना पूरा एक डिटेल, और उसमें उसने दिया है कि उसको SDG बोलते हैं, जो 17 लक्ष्य दिया है, और उसमें जो लक्ष्य दिया है उसमें 3 लक्ष्य पे जिसपे 2016 से चल रहा है काम, गंगाजल आपूर्ति योजना खड़ा होता है। गंगाजल आपूर्ति योजना को लेकर के मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि हम लोगों के जो नेता हैं वो कल्पना के बाहर की बात है। ठीक बोल रहे थे हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब कि जब कोई चीज मिल जाता है तो उसका वैल्यू शायद उतना हम लोग नहीं समझ पाते हैं, लेकिन लाखों लोगों के घर में गंगाजल पहुंचा देना 135 लीटर पर हेड पर डे और सालों भर ये पानी लोगों को पीने के लिए मिलेगा और जो काम करते हैं उसके लिए मिलेगा, ये मेरे ख्याल से देश के नीतीश कुमार जी का बहुत सारा काम है। कोई उनके काम के रिकॉर्ड को हिस्ट्री में दर्ज करेगा, क्रोनोलॉजी बनाएगा, तो मेरे ख्याल से असंभव काम है। कौन काम किससे ज्यादा अच्छा है वो कंपेयर करना मुश्किल है, लेकिन निश्चित रूप से गंगाजल योजना जो है, जो गंगा आपूर्ति योजना जिसको हम लोग आजकल हर घर गंगाजल बोलते हैं, शायद इनके जो टॉप 5-7 काम है उसमें से गंगाजल आपूर्ति योजना एक मर्ज करके आया है। मैं धन्यवाद देता हूँ जल संसाधन विभाग को भी, जो इतना जो बिहार शरीफ के, राजगीर के, और इस सारे जो हमारे जो चीफ इंजीनियर थे, जो सारे विभाग के लोग थे, जिस तरीके से यहाँ पर काम किए हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ आदित्यनाथ दास जी का भी, इनका भी व्यक्तिगत सहयोग, शुरुआती दौर में हम लोगों को बहुत सहयोग मिला, जो हमारे विभाग के सचिव हैं संजय अग्रवाल जी, और जितना मनीष वर्मा जी यहाँ आ करके मॉनिटर करते थे, या अन्य जितने साथी हैं जो विभाग जो है उनका हमेशा सहयोग रहा है, और खास करके माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन लगातार इसमें मिलता रहा, इसीलिए ये काम सौ समय पूरा हुआ। मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।